हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन बेंगलोर के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग जो यहाँ पे अपना मेडिकल कोर्सेज जो है करना चाहते हैं यहाँ पे बेंगलोर से, तो गाइस यहाँ पे जो कौन से मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस बेंगलोर में, जहाँ से आप अपने जो है मेडिकल कोर्सेज आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, मैं आप लोगों को एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से टॉप कॉलेजेस यहाँ पे बेंगलोर में अवेलेबल है, उसी के साथ उस कॉलेजेस की गाइस कंप्लीट यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग देखेंगे यहाँ पे, कंप्लीट लिस्ट देखेंगे यहाँ पे, उसी के साथ जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज हम आपको बताने वाले, वो किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई है, किसके साथ एफिलेट है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस एग्जाम के बेस पे आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, हर एक चीज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आगे कोई भी हम यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेजेस इन बेंगलोर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या कोई भी मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग कोई भी जो न्यू वीडियो अपलोड करते तो आप लोगों को हम अलग करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन बेंगलोर के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पे हम टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन बेंगलोर उसकी कंप्लीट लिस्ट एंड रेटिंग्स देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बेंगलोर सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते, तो लाइक आपको मैं बता दूं कि बेंगलोर जो है यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट कर्नाटका का गाइस यहाँ पे जो है कैपिटल सिटी है बेंगलोर। उसी के साथ बेंगलोर को गाइस यहाँ पे जो है बेंगलुरु और कनाडा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। जो गाइस बेंगलोर यहाँ पे साउथ इंडियन डेक्कन प्लेटू में गाइस यहाँ पे सिचुएटेड है। उसी के साथ गाइस इस सिटी को जो है वन ऑफ द एजुकेशनल हब इन द कंट्री, आप लोगों को यहाँ पे जो इंडिया में वन ऑफ द एजुकेशनल हब भी यहाँ पे जो है बेंगलोर को माना जाता है। उसके साथ यहाँ पे बेंगलोर जो गाइस यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर कंट्री से गाइस यहाँ पे जो है स्पेशली मेडिकल के कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बेंगलोर में आते हैं। और उसी के साथ गाइस यहाँ पे सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे बेंगलोर में गाइस अगर बात की जाए लिटरेसी रेट की, तो 75.06% यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है सेंसस 2011 के रिगार्डिंग यहाँ पे रहा था। अब बात करेंगे यहाँ पे हम कि लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस को, आपको बता दें कि यहाँ पे कंप्लीट जो है मेडिकल लिस्ट कॉलेजेस की हम बात करने वाले, जिसमें हम यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे जो हम लिस्ट करके आपको बताने वाले, जो कि अप्रूव्ड है DCI, MCI, CCH और भी कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब गाइस यहाँ पे जो है कॉलेजेस को रेट किस हिसाब से दिया गया, तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है गाइस कंप्लीट सर्वे रिसर्च करने के बाद जो एजुकेशन क्वालिटी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एकेडमिक प्रोग्रेस हो गया, फैकल्टी रेशियो हो गया, फीडबैक स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद, इंटर्नशिप फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज में, और भी कई सारे गाइस यहाँ पे रेशियो है जिसको गाइस माइंड में रखिए, यहाँ पे कॉलेजेस को जो है आप लोगों के रेटिंग्स दी गई है। बात कीजिए एडमिशन प्रोसीजर की, तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नीट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को जो है एडमिशन दिया जाता है। तो गाइस नीट के थ्रू आप लोगों को MBBS हो गया, BDS जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड हो। और बात कीजिए आप PG मेडिकल कोर्सेज की, तो उसके लिए आपको नीट PG का एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। तो चले गए सब यहाँ पे हम जो मेडिकल कोर्सेज की कॉलेजेस की बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूँ। टॉप मेडिकल कोर्सेज जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं वेरियस कॉलेजेस इन बेंगलोर, देख सकते हैं यहाँ पे MBBS हो गया, BDS हो गया, उसी के साथ साथ BUMS, BAMS, BHMS, MDMS, MDMS में स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, कई सारे के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली गए सभी कॉलेज की लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज एस्टेब्लिश कौन सी ईयर में की गई है और एफिलेटेड टू, तो क्या सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर एस्टेब्लिश इन 1963 एंड एफिलेटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1981 एंड एफिलेटेड टू RGUHS। थर्ड नंबर पे MS रामिया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर एस्टेब्लिश्ड इन 1979। और कैसे एफिलेटेड की बात करें तो अभी सारी के सारी कॉलेज जो है वो यहाँ पे RGUHS से ही एफिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं विदेधि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर एस्टेब्लिश इन ईयर 2000। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश इन 1955। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं केम्बे गोवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर एस्टेब्लिश इन 1980। MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल बेंगलोर एस्टेब्लिश्ड इन 2001। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर एस्टेब्लिश इन 2005। मध्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर एस्टेब्लिश इन 2006। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर एस्टेब्लिश्ड इन 1996 एंड एफिलेटेड टू पब्लिक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज बेंगलोर एस्टेब्लिश इन 1988 एंड एफिलेटेड टू
विश्व विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि VTU से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज की, तो बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बैंगलोर 1991 में स्टेब्लिश किया गया एंड एफिलेटेड टू अगेन RGUHS। सो गाइस अगेन यहाँ पे देख सकते हैं RGUHS से सारी के सारी एफिलेटेड है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज से एफिलेट रहेगी तो हम यहाँ पे आपको उसे बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दयानंदा सागर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एफिलेटेड टू स्टेब्लिश इन 1991। नेक्स्ट कृष्णदेवराया कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल बैंगलोर स्टेब्लिश इन 1992। MS रामिया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर स्टेब्लिश इन 1991। वोकालीगरा संघा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर स्टेब्लिश इन 1986। द ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर स्टेब्लिश इन 2013। राजेश्वरी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर 1992। AECS मारुति कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर स्टेब्लिश इन ईयर 1992। देन श्री राजीव गांधी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल स्टेब्लिश इन 1992। DA पांडू मेमोरियल RV डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर स्टेब्लिश इन 1992। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेज है यहाँ पे 1992 में स्टेब्लिश हुए। नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वरा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1992 अगेन स्टेब्लिशमेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई देगा होगा माथुरुश्री रामाबाई अंबेडकर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल स्टेब्लिश इन 1986। KLE सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस 1965। श्री कालाब्रवेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च 1997। देन गाइस यहाँ पे जो मैं कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक जो कॉलेज को यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो आसानी हो जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहें उस कॉलेज के बारे में फिर और डिटेल में आप जो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर अत्रेया आयुर्वेदिक डेंटल कॉलेज 2006 स्टेब्लिशमेंट। देन सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर स्टेब्लिशमेंट 2011। भगवान बुद्ध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर स्टेब्लिश इन 1996। गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिशिंग 1986। BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर स्टेब्लिशिंग 2013। सो गाइस यहाँ पे हमने जो कंप्लीट टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन बैंगलोर की पूरी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया विद देयर एफिलेटेड एंड एस्टेब्लिशमेंट। सो गाइस यहाँ पे हमने एडमिशन किस बेसिस पे को वो भी देख लिया, मेडिकल कोर्सेज भी देख लिए, लिस्ट भी देख लिया, बैंगलोर सिटी के बारे में रफ थोड़ा सा ओवरव्यू भी जान लिया। इनकेस फिर भी आपको और कोई भी डिटेल जाननी है, कोई भी आपको और फर्दर डिटेल्स या कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर या एग्जामिनेशन के या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप गाइस डायरेक्टली जो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।